सभी भक्तों को एक महीने के बाद मौन साधना का विशेष विशेष आशीर्वाद। आप सभी राष्ट्रीय गीत सुन रहे हैं। आज भारत देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन यहां पर हम भारत की स्वतंत्रता के साथ आपके देह की भी स्वतंत्रता चाहते हैं, आपके मन की स्वतंत्रता चाहते हैं। आप अपने जीवन में इस शरीर को स्वतंत्र करके आत्मा की यात्रा कर सको। आचार्य मंतुन स्वामी ने कारागृह से मुक्ति पाकर के यही मार्ग आपको बताया। हे पंचम काल के भक्तों, कारागृह से मुक्त होना बहुत आसान है, लेकिन कर्मों से मुक्त होना बहुत मुश्किल काम है। ये लोहे के कारागृह एक समय के साथ खुल जाएंगे, लेकिन कर्मों के कारागृह जो अनादि काल से इस आत्मा के साथ पड़े हुए हैं, इस कारागृह से मुक्ति पाने के लिए एक ही मार्ग है, जिस मार्ग का नाम है रत्नत्रय मार्ग, जिस मार्ग का नाम है संयम मार्ग। इस मार्ग पर आने के बाद मोक्ष का मार्ग अपने आप खुल जाया करता है। आज हमने जो एक महीने मौन साधना में आचार्य मंतुन स्वामी को महसूस किया, किस प्रकार से, किस भावना से एक एक काव्य का सृजन किया, एक एक काव्य के प्रभाव से किस प्रकार से 48 कारागृह से बाहर निकले। इस पंचम काल में सभी भक्त कर्मों की गिरफ्त में कैद हैं, कोई व्यापार से परेशान है, कोई परिवार से परेशान है, कोई सर्विस से परेशान है, कोई पढ़ाई से परेशान है, अनेक प्रकार की परेशानियों के कैद में हम सभी कैदी बनकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये पंचम काल है, इस काल का नाम दुखमय काल है। दुख तो आना ही है, कष्ट आना ही है, परेशानी तो सामने आना ही है, इसका तो सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन सामना हम करेंगे, लेकिन बस हमारे सामने मंतोंगाचार होना चाहिए, बस हमारे सामने आदिनाथ भगवान होना चाहिए, बस हमारे सामने जैन संत होना चाहिए। यदि वो हमारे सामने हैं, तो हम हर प्रकार के कष्टों का सामना कर सकते हैं, हर प्रकार की परेशानियों का सामना कर सकते हैं, हर प्रकार की तकलीफें जीवन में आए हम उसका सामना कर सकते हैं, बस प्रभु मेरे सामने हो। अच्छा मन तुम स्वामी के सामने आदिनाथ थे।
ऐसा सामना किया कि सारे मिथ्यात्व के साथ जुड़े हुए आचार्य मानतुम स्वामी के सामने हाथ जोड़ करके आके खड़े हुए। यदि हमारे सामने प्रभु होंगे, संत होंगे, भक्त अमर का साथ होगा, तो हम बड़ी बड़ी परेशानियों से छुटकारा पा करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, प्रसन्न चित्त बना सकते हैं, आत्मस्थ बना सकते हैं, अपने जीवन का आत्मकल्याण कर सकते हैं। एक महीने के बाद आपसे मिल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ सामने वाले को बड़ी खुशी होती है, बोलता हुआ बच्चा माँ को भी पसंद है, परिवार को भी पसंद है, और बोलता हुआ संत जैन समाज को भी पसंद है। जब संत मौन हो जाया करते हैं तो समय भक्त को कौन आशीर्वाद दे, किस प्रकार से भक्त अपने जीवन के रास्ते को बाहर निकाल सके। हर भक्त चाहता है कि हर वक्त मुझे संत का आशीर्वाद मिलता रहे। तो आज आपके बीच में, आज 15 अगस्त है, आज पूरे देश में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। बस मैं यही चाहता हूँ आप भी अपने जीवन में धर्म का झंडा फहराएं। जिन धर्म चक्र सर्वथा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण लेगा वो सुलझता ही रहेगा। अपने जीवन में सुलझने के लिए, अपने जीवन को प्रसन्नचित्त बनाने के लिए एक ही ध्वजा है, जिसकी ध्वजा के साथ हम जुड़े हुए हैं, वह है प्रभु के नाम की ध्वजा, पसरंगा ध्वजा। यह झंडा तो सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को देखा जाता है, लेकिन जो हमारा झंडा है यह 12 महीने एक साथ प्रभु की छत्र छाया में हम सभी फहरा करके ही भावना पाते हैं। हे प्रभु, ये 5 रंगों से हम छूट करके हम पंचम गति की यात्रा कर सके, अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। आज जो मैंने साधना की है तो मैं चाहता हूँ आप भी भक्तामृत की साधना से जुड़े, जैसा भी आपको समय मिले उस समय आप भक्तामृत की साधना करें। मैं तो कई सालों से साधना कर रहा हूँ। 2011 में जब मैंने कागदी पुराना छात्रवास किया धार के पास, जहाँ आचार्य मानतुम स्वामी 48 काव्य की रचना करके कारागृह से मुक्त हुए, वहीं पर मैंने 2 महीने मौन साधना की। आप देखिए पीछे हमारे भगवान, यहाँ पर बैठ के मैंने साधना की। ये काव्य पुरा है, 2 महीने एक ही जगह रहा, कमरे से बाहर नहीं निकला, किसी को भी नहीं देखा, और मैं जो कुछ भी साधा आहार मिलता था बस 24 घंटे एक ही कमरे में रहता था। मैंने विचार किया कि मानतुम स्वामी को कारागृह में कैसा लगा होगा, उसका मैं अनुभव करना चाहता हूँ। वास्तव में वैसा ही मैंने अनुभव किया। साधना का क्रम यहाँ से चालू हुआ, उसके बाद नदी के किनारे, सागर के किनारे, पहाड़ के ऊपर बैठ करके, मंदार के लिए पहाड़ के ऊपर बैठ करके मैंने जो मौन साधना की। आज आप देख रहे हैं पीछे गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, इससे आप पता लगा रहे हैं कि कोई मुंबई स्थान है। हाँ, इस साल में मुंबई में हूँ, यहीं पर ही मैंने मौन साधना की है। आप सोच रहे होंगे कि मुंबई में कैसे मौन साधना हो सकती है। याद रखना, एकांत में साइकिल चलाना बहुत आसान है, लेकिन जो शहर में साइकिल चलाता है वो कहीं पर भी साइकिल चला सकता है। एकांत में मैं मौन रहा, मैंने सोचा चलो इस बार शहर में मौन लेके देखते हैं कैसा महसूस होता है। मुझे तो बाहर की कोई आवाज़ नहीं, मैं तो सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ सुन रहा था, उस भक्तामृत की एक काव्य को आत्मसात कर रहा था। उस काव्य के साथ मैं इतना जुड़ा, पता ही नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा था, किस प्रकार की स्थिति चल रही है। बस अप्पा अप्पा में रहो, एड़ में पर हवे छाड़, अपनी आत्मा से अपनी आत्मा को संबोधित कर रहा था। और आज मैं आपके बीच में हूँ, आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। भक्तामृत की रीतिमत कर दिया था आप करें, और भक्तामृत की साधना जितने साल की हो गए हो कम से कम उतनी बार तो आप उतने दिन करें लगातार।
जितने बजे आप पैदा हुए हों उतने बजे आप प्रारंभ करें। इसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस दिन से आप हफ्ता भर की साधना का शुभारंभ करेंगे। मुझे विश्वास है ये हफ्ता भर आप सभी भक्तों को अमर बना सकता है और आपकी आत्मा का कल्याण कर सकता है। सभी शांति मंत्र को बड़े शांत भाव से सुनेंगे। भगवते श्रीमते प्रक्षीणादोष्कर्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये नमः। शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगोपसर्गाकृतिविनाशनाय सर्वपरिकृच्छुद्रोपद्रविनाशनाय सर्वक्षान्दाविनाशनाय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः। सर्वदेशस्य सर्वविश्वस्य सर्वसमाजस्य सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।